श्री रामविलास पासवान। सभापति जी, मैं आपको प्लीज सिट डाउन। यू आर नॉट गिवन नोटिस। अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस स्पीकर साहब ने इस मुद्दे को लिया है और सदन में डिस्कशन का मौका दिया है। और बिहार में आप जानते हैं कि बिहार ही नहीं बल्कि देश के बहुत सारे हिस्से हैं जहां प्रतिवर्ष बाढ़ से जो है अरबों खरबों की तबाही होती है, हजारों लोग मरते हैं। और बिहार का एक विनाश लीला ये है कि पहले जब पानी आता था दो दिन तीन दिन चार दिन के अंदर में पानी निकल जाता था, लेकिन अब जब पानी आता है तो काफी समय तक वो ठहरता है। नदी का जो पेट है, गहराई है, वो भी कम हो गया है। इसका नतीजा होता है कि जो समतल एरिया है वहां तेजी से पानी फैलने लगता है। अभी जो राष्ट्रीय सिंचाई आयोग नेशनल इरिगेशन कमीशन है उसके मुताबिक पूरे देश में 450 लाख हेक्टर भूमि बाढ़ से प्रभावित होते हैं और जिसमें अकेले बिहार में 78 लाख हेक्टर भूमि जो है बाढ़ से प्रभावित हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो नेपाल और हिमालय पर्वत का श्रृंखला है वहां से जो नदियां निकलती है जिसमें कोसी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, घाघरा है, बागमती है, ये सारी नदियां जो नेपाल से बिहार की ओर आती है और गंगा में मिल जाती है। अध्यक्ष जी, सभापति जी, बिहार में जो तटबंध का निर्माण जो शुरू हुआ वो 1953 से शुरू हुआ और अभी तक कुल मिलाकर के कोसी नदी पर और विभिन्न गंडक, ब्रह्मानंद और बागमती नदी, गंगा पर, सोनी नदी पर कुल मिलाकर के 3454 किलोमीटर में तटबंध बना है। लेकिन इससे 78 लाख जो बिहार का 78 लाख हेक्टर जमीन है, 78 लाख उसमें से केवल 28.53 लाख हेक्टर जमीन जो है उससे सुरक्षा तटबंध का निर्माण जो है किया गया है और शेष जो है वो अभी तक वहां सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, वो भी टूट गया है। तटबंध के लिए जब बन रहा था उस समय में ये कहा गया था कि इससे बाढ़ की मुक्ति मिलेगी, सिंचाई की समुचित व्यवस्था होगी, बिजली का उत्पादन होगा, उद्योग धंधों का जाल बिछेगा, लेकिन इसमें से कुछ नहीं हो पाया। इसलिए अभी हम लोग पिछले साल भी, हर साल हम लोग पिछले बार भी, कल मैं अपने स्वयं 2.5 महीना तक पैदल, नाव से, ट्रेन से, गाड़ी से, जितने भी प्रभावित इलाके थे कोई ऐसा जिला बिहार का नहीं था जिस जिला में मैं स्वयं अपने से नहीं गया। और जो लोगों की दुर्दशा देखने लायक थी, रामचंद्र पासवान भी थे और भी हमारे सब साथी थे, जो देखने लायक, जो सबसे बड़ा, कहीं नाव की व्यवस्था नहीं, साथ छोटी सी छोटी बीमारी है जा, कहीं किसी को हैजा पकड़ लिया उसके कारण से सैकड़ों लोग मर गए। कहीं क्या कहते हैं, कहीं कोई चीज का, लोगों का जैसे आवागमन का मार्ग जो है बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है। नदियां नेशनल हाईवेज हैं, वो कहीं कट जाती है, फिर सेंट्रल से 3 महीना से सीतामढ़ी का तो बराबर ही कटा रहता है आपका, तो सेंट्रल के मिनिस्टर जाते हैं वो हवाई सर्वे करके चले आए, स्टेट के गए वो हवाई सर्वे करके चले आए, लेकिन हर साल इस तरह की तबाही और जान माल। हम लोगों का तो घर ही, हमारा तो घर जो है 3 नदी पार करके हमको जाना पड़ता है। खगड़िया से 15 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है लेकिन 15 किलोमीटर जाने में 7 घंटा लगता है, ये हालत है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हालात है और खास करके इस समय में जो बाढ़ के समय में जो लोगों का जनजीवन होता है इतना नरक हो जाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए मैं, और इसका एक दो तरीका है, एक तो है कि जो तात्कालिक अपराहत कार्य देते हैं और दूसरा जो होता है जिसमें आप एक परमानेंट सॉल्यूशन है। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी नदियां हैं, इसका परमानेंट सॉल्यूशन का एक ही तरीका है कि जो नदी नेपाल से निकलती है उन सारी नदियों के ऊपर में तटबंध का निर्माण किया जाए। हाँ, वही हाई डैम, जो बड़ा डैम होता है उसका जो है किया जाए जिससे कि पानी को वहां रोक करके और जब जरूरत पड़े उससे हम बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं। पहले अंग्रेज के जमाने में बेबेल कमेटी एक बनी थी, उन्होंने सुजेशन दिया था, लेकिन वो सारा का सारा हमको नहीं मालूम है कभी किस स्थिति में है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि एक नहीं, सिर्फ कोसी का ही मामला नहीं है कि कोसी का एक अलग है, बड़ा का मामला है, लेकिन कोसी,
कमला, बागमती और गंडक ये जो चारों नदियां अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं और जब तक नेपाल सरकार से समझौता इसका नहीं होता है कोई अस्थायी समस्या का समाधान भी होने वाला नहीं है। क्या सरकार या क्या नेपाल सरकार के साथ में इस संबंध में कोई बातचीत हुई है या बातचीत चल रही है और यदि चल रही है तो उसकी प्रगति क्या है? दूसरा है कि सेंट्रल टीम भेजने का, आपने कहा मेरे पास में आंकड़ा है कि पिछले 3 साल में कितना जो है, ये आपका एक प्रश्न के जवाब में आपने बतलाया है कि कितना आपने पैसा भारत से बिहार सरकार ने मांगा, कितना NCCF के द्वारा जारी किया गया, कितना क्या कहते हैं कि CRF के द्वारा जारी किया गया। एक पिछले 2 साल से जो है NCCF के माध्यम द्वारा 2 साल से पैसा नहीं दिया गया और इसमें नीचे में ये लिखा गया है कि क्योंकि CRF के अंतर्गत जो धन पर्याप्त उपलब्ध था अतः NCCF से कोई सहायता अनुमोदित नहीं की गई है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तो इस बार का जो फ्लड आया है उस फ्लड के लिए जांच के लिए कोई सेंट्रल टीम गई है कि नहीं गई है, और पिछले 3 वर्षों में जो NCCF है, जो नेशनल क्लाइमेटी कंटीजेंसी फंड या जो क्लाइमेटी रिलीफ फंड है CRF के तहत कितनी राशि बिहार सरकार को दी गई है और उसमें से कितना खर्चा हुआ है। सर एक और वाइटल पॉइंट है, वो है जल जमाव का। हमारे यहाँ बिहार में एक तरफ में बाढ़ होता है, एक तरफ में सुखार होता है और इन दोनों के बाद एक बड़ी भारी समस्या है, वो है जल जमाव की समस्या, जहाँ पानी सालों भर जो है हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमको लगता है कि लाखों एकड़ भूमि जो है वो हमेशा पानी उसमें भरा रहता है, जिसको पानी निकालने का कोई तरीका नहीं है। उत्तरी बिहार में अकेले 9 लाख हेक्टेयर जमीन है जो हमेशा जहाँ जल जमाव खत्म कर रहे हैं, जल जमाव रहता है, और 1 लाख हेक्टेयर जमीन अकेले मोकामा में जो नीतीश जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां जल जमाव जो है वहां रहता है। कुल मिलाकर के 25 लाख एकड़ जमीन जो में जल जमाव की समस्या है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार इस जल जमाव की समस्या से त्राण दिलाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए क्या कदम उठा रही है, क्या राज्य सरकार के द्वारा कोई प्रस्ताव आया है कि नहीं आया है, और यदि नहीं भी आया है तो केंद्र सरकार अपने स्तर से कुछ कर सकती है कि नहीं, और यदि राज्य सरकार के द्वारा कोई प्रस्ताव आया है तो वो प्रस्ताव क्या है। मैं ये 2-3 बिंदुओं पर सरकार का जवाब चाहता हूं। पहला जो मेंबर होता है उसका जवाब जो है मिल जाता है, फिर उसके बाद तब जो है आपको मालूम है कॉलिंग अटेंशन का मतलब है आपका पहले होता है। चलिए ठीक है, हर एक मेंबर को एक क्लारिफिकेशन पूछा जाने की इजाजत होता है। अभी 2 और सज्जन हैं, ठीक है, और उसके अलावा एडिशनली एज ए स्पेशल केस 3-4 आदमियों को भी एक एक क्लारिफिकेशन के लिए इजाजत दे दूंगा। भाषण करने के लिए आप रिस्ट्रेन कीजिएगा, सिर्फ एक एक क्लारिफिकेशन। छोटा ना श्री रामचंद्र पाल।